नमस्कार, मैं वसंत रावल, ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपको ग्रहों के बारे में और गहरी जानकारियां देने जा रहा हूं। ग्रहों के बारे में काफी और डीप नॉलेज आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है ग्रह देवता, ग्रह की दृष्टियां कितनी होती है और कौन सी होती है, ग्रह की कौन सी दिशा होती है, ग्रह कौन सी दिशा में स्थित होते हैं, हर ग्रह का अपना एक भाग्य वर्ष होता है वो भी लिखा हुआ है, हर ग्रह कौन सी राशि में कितने दिन भ्रमण करता है, कितने समय, कितने महीने, कितने साल भ्रमण करता है वो इसमें लिखा है, हर ग्रह की विंशोत्तरी महादशा के साल कितने होते हैं, और अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र में हुआ है तो उससे कौन सी महादशा का आपका जन्म है वो पता चलता है। इस प्रकार से आज आपको हर चीज की गहरी जानकारी देने जा रहा हूँ। गौर से सुनना, देखते जाना, मेरी बातों को सुनते जाना, और आप अपनी डायरी में हर चीज को नोट करना, क्योंकि ये सब चीजें याद रखना आसान न होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य, सूर्य ग्रह की एक ही दृष्टि होती है और वो है सातवीं दृष्टि। सूर्य ग्रह पूर्व दिशा का स्वामी है। सूर्य ग्रह का भाग्य वर्ष 25 वर्ष का है। सूर्य एक राशि के अंदर 30 दिन भ्रमण करता है। सूर्य की विंशोत्तरी महादशा 6 साल की होती है। और अगर कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके जन्म की विंशोत्तरी महादशा सूर्य ग्रह की होगी। चंद्र की एक ही दृष्टि होती है और वह है सातवीं दृष्टि। चंद्र वायव्य दिशा का स्वामी माना गया है। चंद्र का भाग्य वर्ष है 24 साल। चंद्र एक राशि के अंदर 2.25 दिन भ्रमण करता है। चंद्र की महादशा 10 साल की होती है। और अगर आपका जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म रोहिणी, हस्त एवं श्रवण नक्षत्र में हुआ हो तो चंद्र की विंशोत्तरी महादशा में उसका जन्म माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार मंगल 3 दृष्टियां करता है। मंगल की दृष्टियां 3 होती है, अपने स्थान से 4थे स्थान पे, अपने स्थान से 7वें स्थान पे, अपने स्थान से 8वें स्थान में वो दृष्टि करता है। यानी कि मंगल 3 जगह पे दृष्टि करता है, 4, 7, 8 पे दृष्टि करता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। मंगल का भाग्य वर्ष है 28 साल। और मंगल एक राशि के अंदर 57 दिन भ्रमण करता है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की रहती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म मृक्षिस, चित्रा एवं धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उसका जन्म मंगल की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है, ये समझ जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बुध ग्रह की दृष्टि सिर्फ एक ही जगह पे होती है, अपने स्थान से 7वें स्थान पे। और बुध की दिशा है उत्तर दिशा। बुध का भाग्य वर्ष है 32 साल। बुध भ्रमण करता है एक राशि के अंदर 30 दिन के लिए। बुध की विंशोत्तरी महादशा 17 वर्ष की होती है। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म आश्लेष, ज्येष्ठा एवं रेवती नक्षत्र में हुआ हो तो समझ जाना चाहिए कि वो बुध की महादशा में उसका जन्म हुआ है। ठीक उसी प्रकार गुरु ग्रह की दृष्टियां होती है 3। गुरु जिस स्थान में बैठा हो वो स्थान से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखता है। गुरु की दिशा है ईशान्य कोण। गुरु का भाग्य वर्ष है 22 साल। गुरु एक राशि में 1 साल या 13 महीने रहता है। गुरु की विंशोत्तरी महादशा 16 साल की होती है। अगर किसी की व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु, विशाखा एवं पूर्व भाद्रपद में हुआ हो तो उसके जन्म का पहला विंशोत्तरी महादशा गुरु का होता है। उसी प्रकार शुक्र पे आते हैं। शुक्र की दृष्टि होती है सिर्फ एक जगह पे, अपने स्थान से 7वें स्थान पे। उसकी दिशा है अग्नि कोण में। शुक्र का भाग्य वर्ष है 24 साल। शुक्र की विंशोत्तरी महादशा होती है 20 साल की। और वो एक राशि में 19 दिन भ्रमण करता है। और भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में अगर जन्म हुआ हो तो समझ जाना चाहिए कि वो शुक्र की विंशोत्तरी महादशा में पैदा हुआ है। ठीक उसी प्रकार शनि की दृष्टि होती है 3 जगह पे, अपने स्थान से 3रे स्थान पे, 7वें स्थान पे एवं 10वें स्थान पे उसकी दृष्टि पड़ती है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। शनि का भाग्य वर्ष 36 वर्ष है। शनि एक राशि के अंदर 30 महीने यानी कि 28 साल रहता है। और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म पुष्य, अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपद में हुआ हो तो जन्म उसका शनि की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है, ये समझ जाना चाहिए।
दर्शकों ध्यान से देखिए, राहु भी तीन दृष्टि करता है, 5, 7 और 9, अर्थात शनि राहु जहां हो वहां से 5वें स्थान पे 7वें स्थान पे एवं 9वें स्थान पे दृष्टि करता है। उसकी दिशा है नैऋत्य कोण और उसका भाग्य वर्ष है 42 साल। 18 महीने एक राशि के अंदर भ्रमण करता है, 18 वर्ष की महादशा होती है। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म आद्रा, स्वाति एवं शतक नक्षत्र में हुआ हो तो समझ जाना चाहिए कि उसकी जन्म की विंशोत्तरी महादशा राहु की होगी। ठीक उसी प्रकार केतु भी तीन जगह पे दृष्टि करता है। केतु की भी दृष्टि 5वें स्थान पे 7वें स्थान पे एवं 9वें स्थान पे दृष्टि होती है। टोटल 8 दिशाएं होती है, 4 दिशा और 4 कोण। तो यहाँ पे 4 दिशा भी आ गई, 4 कोण भी आ गए, इसलिए केतु को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद केतु का भाग्य वर्ष है 38 साल। केतु एक राशि में 18 महीने के लिए भ्रमण करता है और केतु की महादशा सिर्फ 7 वर्ष की होती है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र में हुआ हो तो उसका जन्म केतु की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है, ये समझ जाना चाहिए। आज हम लोगों ने बहुत डीप में ज्ञान प्राप्त किया है कि नवग्रहों की दृष्टियां कौन सी होती है, नवग्रहों की कौन सी दिशाएं होती है, नवग्रह का भाग्य वर्ष क्या होता है, नवग्रह एक राशि में कितने समय के लिए भ्रमण करता है, नवग्रह देवता में हर ग्रह की अपनी अपनी विंशोत्तरी महादशा के साल कितने होते हैं और उनके नक्षत्र कौन से होते हैं। आज हमने ये बहुत गहराई में जाना, ये सारी बातें आपको भविष्य में बार बार काम आएगी, इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से याद रखना, इसे पूरी तरह से कोष्टक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मूलभूत सिद्धांत है। यही बातें याद होगी तो भविष्य में आपको कुंडली के बारे में भी काफी जानकारी अच्छी मिलेगी और आप हर चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार।